हीरो से लेकर विलन तक हर किरदार में वो बड़े बड़े एक्टर्स को चैलेंज कर रहा था। एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांस हो, हर किरदार में वो इस कदर उतर जाता कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वो कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना थे। जी हाँ, वही विनोद खन्ना जिन्होंने 12 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया, अपना एक अलग मुकाम बनाया और फिर अचानक एक दिन संन्यास ले लिया। कई सालों बाद उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इस तस्वीर में वो बहुत बीमार दिख रहे हैं। और इसलिए इंडिया टीवी ने शुरू की इसी तस्वीर की हकीकत जानने के लिए एक पड़ताल। और यकीन मानिए, जो सच सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला है। किस हाल में है? 70 के दशक का एक ऐसा नायक जिनके मुरीदों की तादाद करोड़ों में थी, 48 घंटे पहले उस नायक की जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर सदमे में है पूरा देश। विनोद खन्ना का हाल जानने के लिए लोग बेचैन हो उठे, उनकी सलामती के लिए दुआओं और हवन का दौर शुरू हो गया। तस्वीर देखकर लगा कि विनोद खन्ना किसी हॉस्पिटल में है, शरीर पर मरीजों के कपड़े हैं। एक तरफ उनकी दूसरी पत्नी कविता खन्ना खड़ी है, दूसरी तरफ भतीजा है जो उन्हें चूम रहा है। विनोद खन्ना पत्नी कविता का सहारा लेकर खड़े हैं। कमजोरी इतनी है कि उनकी आंखें तक ठीक से नहीं खुल रही। क्या यह तस्वीर असली है? क्या वाकई विनोद खन्ना की हालत इतनी खराब है? पर्दे पर अपनी मौजूदगी से हलचल मचा देने वाले विनोद खन्ना क्या सचमुच इतने बीमार हैं? एक स्टार की ऐसी हालत पर इतना सस्पेंस क्यों है? इसी की पड़ताल करने हम निकले मुंबई से दिल्ली तक और दिल्ली से पंजाब तक। सबसे पहले हमने रुख किया उस हॉस्पिटल का जहां विनोद खन्ना के एडमिट होने की खबर आई थी। हमें पता चला कि वो हरकिशन दास नरोत्तम दास रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में है। मुंबई के ताड़देव इलाके में स्थित ये वही हॉस्पिटल है जहां पर विनोद खन्ना भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर कहा जाता है कि इसी अस्पताल से ली गई थी, लिहाजा इसी अस्पताल में पता चल सकता था कि आखिरकार विनोद खन्ना की हालत अब कैसी है। विनोद खन्ना की जिस बीमारी के सस्पेंस से हम पर्दा उठाना चाह रहे थे उसकी सबसे अहम कड़ी थी अस्पताल, लिहाजा हमने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन अफसोस वहां हमें विनोद खन्ना की बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला कोई ना मिला। ऐसे में हमारी अगली मंजिल थी विनोद खन्ना का घर, जो कि मुंबई के मालाबार हिल्स में है। मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में बनी इल प्लाजो नाम की ये वही इमारत है जिसकी 13वीं मंजिल पर सुपरस्टार विनोद खन्ना अपनी दूसरी पत्नी कविता, बेटे साक्षी और बेटी के साथ रहते हैं। हमें पता चला कि कविता इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन बेटे साक्षी थोड़ी ही देर में घर पर आने वाले हैं। ऐसे में हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की कि आखिरकार विनोद खन्ना को हुआ क्या है और उनकी तबीयत कैसी है। अभी हम विनोद खन्ना की तबीयत के बारे में जानने की कोशिश कर ही रहे थे तभी हमारी नजर पड़ी अपार्टमेंट से निकल रहे विनोद खन्ना के बेटे साक्षी खन्ना पर। हमने बिना वक्त गवाए साक्षी से पूछ दिया कि उनके पिता विनोद खन्ना को हुआ क्या है। कैसी है पिताजी की, आपके खन्ना साहब की तबीयत कैसी है, ये लाइन बता दीजिए, क्योंकि फैंस उनके जानना चाहते हैं कि क्या तबीयत है अभी। साक्षी, विनोद खन्ना की बीमारी के बारे में हमारे दो बार पूछने के बाद भी बेटे ने चुप्पी नहीं तोड़ी, कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। बीमारी के जिस सस्पेंस से हम पर्दा उठाना चाहते थे, साक्षी की खामोशी ने इसे और भी बड़ा सवाल बना दिया कि आखिर विनोद खन्ना को हुआ क्या है। हमारी टीम तय करके निकली थी कि इस सुपरस्टार से जुड़ा पूरा सच आपको बताएंगे। अब आखिर उनकी हालत क्यों बिगड़ गई? विनोद खन्ना की तस्वीर एक और सवाल गई, और हैरानी की बात तो ये कि इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। जिनसे भी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि तस्वीर को देखकर वो सदमे में तो हैं, लेकिन उन्हें हुआ क्या है कि ना तो उनके परिवार वाले बता रहे थे और ना ही उनके अपार्टमेंट में रहने वाले लोग। विनोद खन्ना के बेटे साक्षी की खामोशी से अभी हम परेशान थे।
कि तभी हमारी नजर विनोद खन्ना के घर पर काम करने वाले एक सर्वेंट पर गई। हमें लगा कि शायद ये बीमारी के बारे में कुछ बता सके। हमने ताजा तस्वीर का हवाला देते हुए विनोद खन्ना के हाल और बीमारी के बारे में पूछा तो यहाँ भी वही जवाब मिला जिसने बेचैनी और बढ़ा दी। फोटो में बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अभी आदमी बीमार है तो थोड़ा बहुत तो कमजोर तो लगेगा ही ना। कुछ बताया क्या हुआ है साहब को? नहीं जी, वो सब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उतना उधर ये नहीं करते। काफी कमजोर हो गए हैं ना सर? क्योंकि अभी खाना पीना का चालू किया है। तो कुछ खाते हैं या फिर लिक्विड ही अभी ले रहे हैं? लिक्विड अभी खिचड़ी वगैरह ऐसे ले रहे हैं, खा रहे। विनोद खन्ना के आसपास रहने वाला कोई भी शख्स आखिर बीमारी के नाम पर खामोश क्यों हो जाता है? ये सवाल अब हमें और परेशान करने लगा था, इसलिए हमारी पड़ताल आगे भी जारी थी। विनोद खन्ना फिल्म स्टार है, बॉलीवुड में उनका एक मुकाम है, लिहाजा हमारी टीम ने बॉलीवुड की उन हस्तियों से मिलने का फैसला किया जिनके विनोद खन्ना के साथ करीबी रिश्ते हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद वहीं से उनकी बीमारी को लेकर कोई जवाब मिल जाए। इरफान खान भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इरफान ने जो कुछ कहा उसे सुनकर हम और परेशान हो उठे। पहली बार उनका फोटो देखा और मुझे बहुत धक्का लगा, और मेरी कामना है भगवान से कि यार किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके वो हमको वापस हेल्थ उनकी वापस मिले और उनको अच्छा दिख सके। मैं हमारी कुछ जरूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। मेरे लिए विनोद खन्ना बहुत मायने रखते हैं, मैं हिंदी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत इंसान मैं उनको मानता हूँ। अब सवाल ये था कि आखिर इरफान खान ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने क्यों कह दिया कि अगर विनोद खन्ना को किसी ऑर्गन की जरूरत है तो वो डोनेट कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई बेहद गंभीर बीमारी हो गई है? वक्त के साथ साथ सस्पेंस और बढ़ता जा रहा था। के साथ भी एक फिल्म की थी, सुनिए ग्रेसी ने उनकी बीमारी पर क्या कहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ चूड़ियां फिल्म में काम करने का। तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ग्रेट एक्टर है, तो माय गुड विशेस एंड प्रेयर्स फॉर हिम। हर कोई दुआएं दे रहा है, विनोद खन्ना के जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। विनोद खन्ना की बीमारी एक सस्पेंस बन गई है, लेकिन करीब सवा साल पहले विनोद खन्ना ने पंजाब के गुरदासपुर में कुछ ऐसा कहा था जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। बहुत महीनों के बाद मैं पंजाब आया, अपने हल्के च आया। मेरी तबीयत खराब सी बहुत, काफ़ी समय बाद मुझे डॉक्टर्स ने इजाज़त दी है जाने के लिए। मैं इतने महीनों के बाद यहाँ आया हूँ क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है। विनोद खन्ना ने ये तब कहा था जब वो गुरदासपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे। तब लोगों ने उनसे सवाल पूछा था कि वो इतने दिनों तक कहाँ थे, जिस पर विनोद ने अपनी बीमारी का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं बताया था कि आखिर उन्हें बीमारी क्या है। ब्रेक के बाद हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और आपको ले चलेंगे पंजाब और बताएंगे कि वहां हमें क्या पता चला। विनोद खन्ना एक एक्टर होने के साथ ही सांसद भी हैं। साल 1997 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। साल 2014 में भी उन्होंने गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव जीता और मौजूदा सांसद हैं। उनकी बीमारी के बारे में पहली बार तब पता चला जब काफी लंबे वक्त से वो अपने लोकसभा क्षेत्र गए ही नहीं। ऐसे में हमने पंजाब जाकर उनकी पड़ताल करने की ठानी कि आखिर विनोद खन्ना की बीमारी का सच क्या है, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। पंजाब से विनोद खन्ना का गहरा ताल्लुक है क्योंकि वो यहीं से सांसद हैं और उनका यहाँ आना जाना हमेशा रहता है। हमारी टीम पठानकोट पहुंची इस उम्मीद में कि शायद यहीं पर उनकी बीमारी से जुड़ा कोई राज सामने आ सके। ये पठानकोट का वो कॉलेज है जहां से विनोद खन्ना का गहरा रिश्ता है। हम यहां पहुंचे तो देखा स्टूडेंट्स विनोद खन्ना की जवानी के दिनों की तस्वीरें लेकर उनके लिए प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। नीर
विनोद खन्ना जो कि बॉलीवुड स्टार हैं और पठानकोट और गुरदासपुर से एमपी हैं, उनके क्षेत्र में हम आए हैं और खास तौर पे जानने के लिए कि लोग उनको कितना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके जब हमने देखा तो यहाँ का प्रसिद्ध कॉलेज है एबी कॉलेज और वहाँ पे उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। एबी कॉलेज पठानकोट का माना हुआ कॉलेज है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनकी लंबी आयु के लिए। जब से विनोद खन्ना की ये तस्वीर सामने आई है यहाँ हर कोई बेचैन है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट और प्रिंसिपल तक उनकी सेहत को लेकर सभी फिक्रमंद हैं। बच्चे उनकी तस्वीरें लेकर सेहत की दुआएं मांग रहे हैं, हवन कर रहे हैं। दरअसल इस कॉलेज का हर बच्चा खुद को विनोद खन्ना के बहुत करीब महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने वक्त पड़ने पर बहुतों की मदद की है। इसलिए अब ये सब चाहते हैं कि उन्हें बीमारी कोई भी हो लेकिन वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारे कॉलेज में वो 2 साल पहले आए थे और वो इतने जेनरस हाथ है उनका कि उन्होंने अपनी फंड में से हमें हमारे कॉलेज को ग्रांट दी थी और इतना चार्म उनके फेस पे और अब जो पिक आ रही है वो मतलब पहचाना नहीं जा रहे कि वही दबंग के एक्टर हैं और जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं और हम बस यही प्रे करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम सबके बीच में फिर से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। हमारी फैमिली जब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही थी तब उन्होंने 2 मिनट में ही उसका सोल्यूशन निकाल दिया और आज हमारी इतनी सही पोजीशन है उन्हीं के कारण है सब। उन्होंने हर तरीके से हमारी हेल्प की है। हालांकि बच्चे नहीं जानते और हम भी अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि विनोद खन्ना को बीमारी क्या है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश को शायद पता होगा कि विनोद खन्ना को क्या बीमारी है, क्योंकि ये उनके दोस्त भी हैं। बातचीत में इन्होंने ये तो बताया कि बीमारी को लेकर उनसे बात जरूर हुई थी, लेकिन विनोद खन्ना ने ये नहीं बताया कि क्या बीमारी है। क्या उन्होंने बताया जब आपसे बातचीत हुई तो किस बीमारी से वो पीड़ित हैं और किस तरह लग रहा है? मैंने क्योंकि ये फिल्म वर्ल्ड के लोग हैं मैंने उनको बीमारी के बारे में डिटेल पूछी नहीं और ना ही उन्होंने बताई। जिस कॉलेज में हम विनोद खन्ना के बारे में पड़ताल करने पहुंचे थे वहां से उनका रिश्ता कितना गहरा है ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। यहां ये कमरा उनकी तस्वीरों से भरा पड़ा है। किसी तस्वीर में वो छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी में भाषण दे रहे हैं, तो कहीं उनकी तस्वीर उनके गुरु ओशो के साथ लगी हुई है। ओशो यानी रजनीश से किसी जमाने में विनोद खन्ना इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना चमकता हुआ फिल्मी करियर भी छोड़ दिया था। 1982 में वो ओशो की शरण में चले गए और अगले 5 साल तक उनके साथ आश्रमों में ही रहे। मैं काफी सालों से मेडिटेशन कर रहा था। रजनीश जी के पास जाने से पहले मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया करता था और वो मैंने 2-3 साल की और उसके बाद मुझे ऐसा ख्याल आया या मेरे दिल से ऐसी बात उठी कि भाई अब आपको गुरु के पास जाना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि रजनीश जी ने वो फिल्मों में फिर से जानदार किरदार अदा करने लगे और साथ में सियासत भी। लेकिन पिछले 1.5 साल से वो बीमार हैं और बीमारी क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि मुंबई में रहने वाले विनोद खन्ना के फैमिली फ्रेंड कुमार मोहन दावा करते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। अच्छी बीमारी नहीं है वो तो, और दुखदायक वाली बीमारी है। हम तो बल्कि इतनी दुआ करेंगे कि वे जल्दी से निकल आए, इससे ठीक हो जाए। बाकी यहाँ कुछ समय से वे बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज है, उनको उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है उसका। इस पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई कि विनोद खन्ना को सीरियस बीमारी है, लेकिन वो कौन सी बीमारी है इस बारे में खुलकर कोई नहीं बोल रहा। फिल्म स्टार विनोद खन्ना की तस्वीर सामने आने के बाद हमने कई जगह पड़ताल की। हमने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से विनोद खन्ना की बीमारी का कोई सुराग मिल सकता था। हम अस्पताल गए, हम उनके घर गए, यहां तक कि हर उन फिल्मी हस्तियों से हमने मुलाकात की जो विनोद खन्ना के करीबी कहे जाते हैं। यानी वो हर मुमकिन कोशिश जहां से विनोद खन्ना की बीमारी का कुछ पता चल सकता था, लेकिन हर जगह मिली खामोशी, चुप्पी और सस्पेंस। बड़ी खबर, मशहूर एक्टर और बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उनकी सेहत में अब पहले से काफी सुधार है।